सबको ऑडिबल सब है विजिबल है सब कुछ ओके okay है सो विल टॉक अबाउट द इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज के ऊपर हम लोग बात करेंगे उसके पहले डिस्कस सम एमसीक्यूज़ जो हमने कल करंट अफेयर्स देखा था उसके एमसीक्यूज के ऊपर भी बात की जाएगी एंड देन टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स न्यूज सो यस गाइज आवाज आ रही है सबको सबको ऑडिबल है सबको विजिबल है एक बार कमेंट uh, सेक्शन में डाल दीजिए और आप लोग कैसे हो ये भी बता दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विद लेक्चर ओके चलो बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल यस दोस्तों जल्दी सेशन uh, को शेयर और लाइक like भी कर दीजिएगा uh, ताकि बाकी भी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाए के थोड़ा सा या सो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आज के मोटिवेशनल कोट की थोड़ी बात कर लेंगे विल टॉक अबाउट द मोटिवेशनल कोट

कीजिए उसके ऊपर काम कीजिए जरूर एग्जाम क्लियर होगी तो यही एक पॉइंट है इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को के यस गाइस सो आई होप यू पीपल आर रेडी स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज के साथ पहले कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं एंड देन विल गो टू करंट अफेयर्स न्यूज ठीक है चलो पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा Uh, आशा बोनालू फेस्टिवल वॉज द फॉलोइंग स्टेट इन जुलाई 2021 इस स्टेट ने इसको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दे दिया है तो भाई कौन सा स्टेट है जहां पे आशा बोनालू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर uh, स्टेट फेस्टिवल इसको कहा जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट का यस कोई बताएगा uh, <coughs> यस ंगाना आंसर इज तेलंगाना आंसर इज़ तेलंगाना के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था तेलंगाना के सीएम और तेलंगाना के गवर्नर का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए बिकॉज यहाँ का स्टेट फेस्टिवल है काफी फेमस फेस्टिवल होता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में सीएम एज वेल एज गवर्नर दोनों का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा यस यस गाइज Uh, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाएंगे। यस yes, 2014 में जब से स्टेट क्रिएट हुआ सेलिब्रेट uh, से किया जा रहा है yes, uh, yes, 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 uh, uh, चंद्रशेखर राव साहब की बात की जाइए सुंदर रंजन के uh, इनके ऊपर तो पहले भी हमारी बात हुई थी एंड इज द गवर्नर ओवर देयर आगे बढ़ते जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव द ग्लोबल कारपोरेट टैक्स

Yes, guys. इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी स्टेट डिसाइडेड टू डेवलप द स्मार्ट प्ले ग्राउंड इन गवर्नमेंट स्कूल स्मार्ट प्ले ग्राउंड स्मार्ट प्ले ग्राउंड का मतलब है कि जहां बच्चे खेलेंगे साथ में उनकी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कौन से स्पोर्ट्स में वो बड़े अच्छे हैं एग्जैक्टली एक्टिविटीज के टाइम पे वो क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं उसका भी जजमेंट लिया जाएगा स्मार्ट प्ले ग्राउंड ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए स्टार्ट करने वाला स्टेट है यहाँ पे पंजाब यस yes, पंजाब की बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने अनाउंसमेंट की हुई है सो स्मार्ट प्ले ग्राउंड नाइन पॉइंट वन जीरो करोड़ दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन सच काइंड ऑफ स्कीम विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनाउंस दैट इट हैड जायंट फ्रॉम द एंडेंजर्ड लिस्ट IUCN का एंडेंजर्ड लिस्ट में पांडा जायंट पांडा उनका जो वेरी तो, स्लो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसको माना जाएगा तो इसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो गया था चाइना के अंदर ऑब्वियसली पांडा मिलते हैं तो आंसर बहुत सिंपल है बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी और डब्ल्यू का जो आपका फोटो है उसके अंदर भी पांडा पांडा आपको वहां पे दिख जाएगा तो जायंट पांडा को एंडेंजर्ड लिस्ट से बाहर निकालने की बात की गई है के यस गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड यूएसडी 1.3 बिलियन डील विद द इंडियाज हाइड्रो पावर मेजर सतलज जल विद्युत निगम टू डेवलप सिक्स सेवेंटी नाइन मेगा वैट लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कल भी हमने बात हुई थी कल हमने अरुण रिवर को भी देख लिया था कि एक्जैक्टली exactly रिवर कहां से बहती है और नेपाल के अंदर यह हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सो वी डिस्कस अबाउट दैट नेपाल को नए प्राइम मिनिस्टर मिल चुके हैं उनका भी न्यूज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेपाल में बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी ओली साहब ने रिजाइन किया वापस पीएम बन गए फॉर फ्यू डेज अभी नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं सो विल टॉक अबाउट दैट न्यूज उसके ऊपर भी हमारी बात होगी प्लस नेपाल के साथ रेलवे एग्रीमेंट को भी हमने रिन्यू कर दिया जो रेलवे का हमारा सर्विस एग्रीमेंट था नेपाल के साथ उसको भी हमने रिन्यू किया है ताकि वहां पर रेलवे का डेवलपमेंट काफी अच्छे से हो सके ठीक आगे बढ़ते हैं

ओरिजिन है तो यहां पे समीर बैनर्जी की बात की जाएगी ध्यान रखिएगा ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ओके ही इज नॉट द इंडियन सिटीजन इज द अमेरिकन सिटीजन बट ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया का है एंड दैट्स सॉ न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आगे बढ़ते दोस्तों केरला बेस्ड टेक्सटाइल मेजर किटेक्स डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रूपीज 1000 रलासटा विच इज इन्वेस्टिंग वन थाउजेंड करोड़ इन आ, इन टेक्सटाइल पार्क कौन सा स्टेट है जिसके पार्क में यह पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा आंसर इज तेलंगाना तेलंगाना के साथ एग्रीमेंट हुआ है देखिए यह बहुत अच्छी न्यूज होती है दो स्टेट दो स्टेट्स के बीच में जब कोलैबोरेशन होगा दो स्टेट्स के बीच में जब एक दूसरे को हेल्प की जाएगी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग लास्ट टाइम एमपी और केरला का भी हुआ था आपको याद होगा एमपी और केरला के बीच में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था सो केरला गवर्नमेंट स्टार्टेड हेल्पिंग मध्य प्रदेश सो दैट टूरिज्म कैन कैन बी बी गुड केरला टूरिज्म टूरिज्मीवे पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है काफी अवार्ड्स उनको मिले एमपी टूरिज्म भी धीरे धीरे अपना नाम काफी अच्छे से अर्न कर रही है तो लास्ट टाइम एमपी केरला का न्यूज देखा था यहां पर तेलंगाना और केरला जहां पे एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते फॉलो ऑर्गे लॉन्च हेल्थ केयर इनोवेशन चैलेंज एच आई सी टू पॉइंट जीरो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाएंगे जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को मदद कर सकते हैं तो काफी अच्छा चैलेंज है इस चैलेंज में जो भी जीतेगा उसको ऑब्वियसली प्राइज मनी से नवाजा जाएगा पर यह चैलेंज के थ्रू जो भी रिजल्ट मिलेंगे दो रिजल्ट विल बी वेरी गुड फॉर द इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर सो यहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है आंसर इज ने बहुत बढ़िया नेस्कॉम यहाँ पे इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर एंड सर्विस सेक्टर कंपनीज़ का एक ग्रुप है 1988 में किया गया था, is, uh, NAS, दोस्तों ये आते हैं जिसे नॉर्मली हमें पढ़ने के लिए लगता है कि बड़ा सिंपल रहेगा बट एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो यस रेखा मेनन जी फिलहाल हेड है यस yes गाइस तो ये थे थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने लास्ट लेक्चर uh, को लेके ठीक है अभी हम इंटरनेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं कि आज इंटरनेशनल सेक्शन नेशनल सेक्शन वाली न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी काफी सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर आएंगे बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज पर उसके बेस्ड काफी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपका सॉरी पहला न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा France uh, antitrust watchdog slapped 500 million euros fine on the alphabet's Google for failing comply fully with the temporary order of regulator had given Raw with the country's news publisher. Okay.

देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी आपको अच्छे से याद होगी कि जो गूगल एंड ऑल जो वेब सोशल मीडिया की साइट है यहाँ पे न्यूज आती है यहाँ पे हम लोग बहुत बार न्यूज को देखते हैं है आपने कि गूगल के उस पेज पे आपको न्यूज दिख जाएगी ये जो न्यूज आती है वहां पे उसके लिए गूगल उस न्यूज चैनल को या उस पब्लिशर को पे करता है कि नहीं करता है बिकॉज़ जो जर्नलिस्ट होते हैं जो हमारा प्रिंट मीडिया है वो बेचारे मेहनत करते न्यूज को इकट्ठा करते और गूगल उसी न्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाता है के, एंड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर द पब्लिशर विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर द जर्नलिस्ट इसलिए इंडिया में आपको पता होगा न्यूज शोकेस नाम का एक है जो ने करवाया है पे 30 या 30 के साथ जुड़ी हुई है, तो इसके क्या करता है, कि जो है या जर्नलिस्ट है इनको पे करेगा या इनके न्यूज को प्रॉपर तरीके से शो करेगा तो यहां पर टाइप हुआ फ्रांस में यही चीज करने के लिए बोली थी गूगल ने नहीं की उन्होंने नहीं की इसलिए उनके ऊपर 500 मिलियन यूरो का फाइन लगा हुआ है उनको कुछ टाइम दिया गया अगर उतने टाइम में इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो पर डे उनको भी इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है इंडिया में ऑलरेडी न्यूज शोकेस 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 नाम का है ध्यान रखिएगा ये न्यूज 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 हमने कवर की की थी थी इसके ऊपर मैंने आपके साथ बात सो इज द जिसके अंडर इंडियन मीडिया के साथ टाइप करता है ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था याद होगा आपको सबसे पहले गूगल ने ऑस्ट्रेलिया के साथ टाइप किया था और जहां पर न्यूज एजेंसी के साथ मिलकर वो न्यूज को शो कर

लाख पर डे का फाइन लगने वाला है अगर दो महीने में इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया दो महीने में इन्होंने गूगल ने अगर अपना इंटेंशन uh, पॉजिटिव तरीके से शो नहीं किया तो नाइन लाख यूरो पर डे का फाइन है जो गूगल के ऊपर पे करना पड़ेगा गूगल को फ्रांस uh, को देना पड़ेगा एंड दैट इज द केस ओवर अब यहां पर बड़ा अच्छा है नेबरिंग राइट्स देर इज कॉल्ड एज नेबरिंग राइट्स

चलो नेबरिंग राइट समझ में आ गया आपको, नेबरिंग राइट में तो कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि वो एक कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हु न्यू रिकमेंडेशन ऑन द ह्यूमन जीनोम एडिटिंग अब ये न्यूज छोटी सी है न्यूज बहुत छोटी है पर इंपॉर्टेंट उतनी ज्यादा है

जीनोम एडिटिंग ये होना चाहिए ये सब सब कुछ ध्यान में रखते हुए होना चाहिए एंड फॉर दैट रीजन डब्ल्यूएचओ के कुछ नए रिकमेंडेशन आए जीनोम एडिटिंग को एथिकल uh, करने के लिए अभी क्यों आए चाइना चाइना इस मामले में सबसे ऊपर है चाइना ने लास्ट टाइम एक अनाउंसमेंट की थी कि दे क्रिएटेड सुपर चाइल्ड समथिंग लाइक दैट तो यार एकदम कहां से क्रिएट कर लिया आपने किसी को बताया क्यों नहीं आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये अगर गलत हो गए तो काफी लोगों की जान भी जा सकती है जैसे कोविड कोविडीन की बात करते हैं ये ये उन्हीं की देन है तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसीलिए जीनोम एडिटिंग कर रहा होगा उसका सारा इंफॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ के पास होना चाहिए एंड डब्ल्यूएचओ इज गोइंग टू ट्रैक इट तो डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि जिस किसी कंट्री में जीनोम एडिटिंग या जेनेटिक साइंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो सबकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी अब अगर कोई कंट्री फेल हो गई तो उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी एंड दैट इज अ पॉइंट मेंशन बाय डब्ल्यूएचओ बट डब्ल्यूएचओ के एक्शन को वो सीरियसली लेगा तब ना के बट एनीवेज दे मेंशन दिस उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हुए कि ये अनएथिकल अनसेफ जो रिसर्च होता है इसको रोकना पड़ेगा नहीं तो पूरा का पूरा वर्ल्ड खतरे में आ सकता है एग्जांपल देखिए आपके सामने चाइना के साइंटिस्ट थे हा जिनाकुई के इन्होंने

केयरफुल वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस जीनोम एडिटिंग एंड द केस तो जो हम लोग मूवीज में देखते थे वो रियलिटी में भी होता है और चाइना इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग्स ये भी एक पॉइंट यहां पे याद रखेगा ठीक है uh, <clears throat> आ, या वैक्सीन के बाद भाई थोड़ा सा वीकनेस आना इज वेरी जायज थिंग उसमें कोई कोई इशू नहीं है थोड़ा आराम कीजिए आपको कुछ पैरासिटामोल या कुछ मेडिसिन दिए होंगे मन मर्जी से मेडिसिन नहीं लेना डॉक्टर को पूछ के लीजिएगा और आराम कीजिए एक दो दिन थोड़ा सा रहेगा बिकॉज फॉरेन बॉडी आपके आपके बॉडी के अंदर गई हुई है वैक्सीन उसी को कहते हैं तो उससे थोड़ा बहुत इश्यू होता है डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस गाइस क्लियर है सबको आगे बढ़े अब नेपाल की बात करते हैं फाइनली नेपाल को फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर मिल गए शेर बहादुर दौबा उनकी बात करेंगे ये उस कंट्री के पांचवी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे तो शेर बहादुर दौबा इज नथिंग न्यू के कोई नए नहीं है नाम बड़ा फेमस है बड़े फेमस पॉलिटिशियन है नेपाल के नाउ ही बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ द नेपाल हमारे नेबरिंग कंट्री के ओली साहब का थोड़ा सा ट्रबल चल रहा था ओली साहब को uh, उनके पार्टी वालों ने छोड़ दिया रेजिग्नेशन देना पड़ा वापस से फिर वो uh, uh, विश्वासमत ठहराव जीत के आए थे फिर वो लाइक फॉर फ्यू डेज ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर फाइनली नए प्राइम मिनिस्टर का चयन हुआ है एंड शेर बहादुर दौबा के नाउ शेर बहादुर दोबा के ऊपर क्वेश्चन आए ना आए पर एक पर्सन के ऊपर नेपाल में या नेपाल के एक पर्सन के ऊपर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है और वो पर्सन है विद्या देवी भंडारी Okay. पहली महिला प्रेसिडेंट है नेपाल की इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही है मैडम जी बड़ी फेमस है सो so, मैडम जी जब से प्रेसिडेंट बनी हुई है कुछ ना कुछ नेपाल के अंदर चलते रहता है तो इनका नाम आता ही रहेगा सो so, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी नाम याद रखिएगा और नए पीएम है शेर बहादुर दबा के okay. सो so, ये दो नाम है जो एग्जाम के लिए क्रूशियल है स्पेशली विद्या देवी भंडारी के okay. चलो आगे देखते इसके पहले ये कब-कब थे 2017 अठारह दो हज़ार चार दो हज़ार 1997 एक दो नाइनटीन फाइव नाइनटीन नाइनटी सेवन तक ये थे okay, तो काफी सालों का पांच बार ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके थोड़े कम कम टाइम के लिए रहे इस बार उम्मीद है कि भाई ज्यादा टाइम के लिए ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ओके okay, पर जब भी जब भी प्राइम मिनिस्टर परमानेंट ना हो या जब भी प्राइम मिनिस्टर फुल टाइम ना हो इनको आगे कर देते बड़े ही लाइक ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है कि अक्रॉस द पार्टीज़ सारे पार्टीज़ में इनका नाम बड़ा अच्छा है सो इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे सब सबसे बड़े एंड ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल तो उम्मीद करते इंडिया और नेपाल के रिलेशन और स्ट्रांग बन जाएंगे now, आ, आ, प्रसाद शर्मा ओली जिनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर

अब भूतान में भीम या यूपीआई से हम पेमेंट कर पाएंगे तो हमारे जितने एप्स है यूपीआई बेस्ड पेमेंट अभी भूतान के अंदर भी काम करेगा देखिए इंडिया की एक अथॉरिटी है जिसका नाम लेना बहुत जरूरी है उसका नाम है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई 2008 में हमने एनपीसीआई को क्रिएट किया था मुंबई में हेडक्वार्टर है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन दोनों ने मिलकर एनपीसीआई को क्रिएट किया था यह रुपए कार्ड इवन फास्टैग का जो सिस्टम है वो भी इन्होंने क्रिएट किया हुआ है यूपीआई पेमेंट किया तो एनपीसीआई बहुत सालों से सा ट्राई कर रही थी कि दूसरे कंट्रीज के अंदर भी यूपीआई को लॉन्च करते और फाइनली यूपीआई भूटान के अंदर लॉन्च हो गया के, रुपे कार्ड रूपे कार्ड ऑलरेडी आपको बताऊंगा सिंगापुर के अंदर या गल्फ कंट्रीज में रूपे कार्ड ऑलरेडी फेमस

स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन लेवल का है कि इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ इनटू पार्टनरशिप फॉर दिस क्यूआर बेस्ड पेमेंट इन भूटान क्यूआर बेस्ड पेमेंट हम लोग करते हैं बस उसी के भरोसे ये किया जाएगा दैट इज ओवर हियर ठीक है चलो

ऑलरेडी भूटान के अंदर एक्सेप्टेड थे ऑलरेडी भूटान के अंदर लोग रुपए कार्ड यूज करते हैं, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं और भीम यूपीआई भी वहां पर स्टार्ट हो गया है, okay? बड़ी खूबसूरत कंट्री है कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा okay. भूटान इज़ द कैपिटल करेंसी। देखिए इज़ द दे करेंसी और रूपी भी वहां पे यूज होता है एंड आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द भूटान। ठीक है वन ऑफ़ द वर्ल्ड में भूटान का नाम काफी आगे आता है ठीक है चलो गाइस सो so ये था द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग भूटान आगे बढ़ते हैं.

कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर अफेयर्स कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस अफेयर्स तो ऐसी कुछ कमिटीज हमारे पास होती है नॉर्मली कैबिनेट कमेटी को हेड पीएम साहब ही करते हैं नॉर्मली कैबिनेट कमेटी को हेड पीएम साहब ही करते हैं पर अभी कैबिनेट कमेटी में नए लोग आ जाएंगे बिकॉज पुराने लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिए तो नए नाम आ जाएंगे एंड दैट्स वाई न्यूज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस इतना एक पॉइंट याद रखना कि जब भी कैबिनेट में कुछ एक्सपांशन होगा कोई नए मिनिस्टर्स आएंगे तो कैबिनेट कमिटीज में भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे सिग्निफिकेट चेंजेस नहीं है यहां पर बहुत कम चेंजेस है बिकॉज जो हेड है वो हेड सेम ही है देखिये पीएम साहब ये कैबिनेट कमेटी के अपॉइंटमेंट कमेटी के हेड रहेंगे देन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के पॉलिटिकल अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ये भी पीएम साहब के पास जाएगा ध्यान रखिए पीएम साहब के पास चार कमिटीज है एक अपॉइंटमेंट कमिटी दूसरी इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी तीसरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी एंड द कमिटी ऑन द सिक्योरिटी तो चार कमिटीज है कैबिनेट कमिटीज जिनको पीएम साहब हेड करते हैं प्लीज ध्यान रखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है दोस्तों दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल ये गवर्नमेंट खुद बनाती है और इन चारों कमेटीज के हेड पी साहब है उनके बिना इसकी मीटिंग नहीं होगी राजनाथ सिंह साहब किसके हेड देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स इनके हाथ में रहेगा पहले ये रविशंकर प्रसाद साहब भी हैंडल किया करते थे के, पर अभी ये जाएगा राजनाथ सिंह साहब के पास एंड कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन विल बी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अमित शाह अकोमोडेशन ये अमित शाह साहब के पास जाएगा भाई कौन कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा होता ना जगह मिलती है, है। जिम्मेदारी रहेगी okay. अब यहां पे ये दो कमिटीज है इनके पास। याद रखना चार कमिटीज ये सारी पीएम हैंडल करेंगे और ये दो कमेटी जहां पे राजनाथ सिंह और अमित शाह का नाम दिया गया है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है चलो यस गाइज एनी क्वेश्चन ओवर यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते बिल्कुल ओके बिकॉज ये कमिटी बहुत इंपॉर्ट अगेन आएम रिपीटिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज समथिंग डिफरेंट वो अलग होती है वहां पर दूसरे दूसरे पार्टी के लोग भी रह सकते हैं बट वेन इट कम्स टू कैबिनेट कमिटीज यहाँ पे दूसरे पार्टी के लोग नहीं रहेंगे केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे okay. कैबिनेट कमेटी इज द हाइएस्ट अथॉरिटी के जो कैबिनेट को कुछ भी डिसाइड करना होगा तो इनके मीटिंग के थ्रू ही डिसाइड होता है कि इनकी मीटिंग जब भी होगी तब भी इंडिया में नई नई योजनाओं के या नए नए प्रोग्राम के अनाउंसमेंट होते हैं स्पेशली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी मीटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे देश के लिए और पीएम साहब इस कमेटी के हेड है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेशनल एसेड रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सोकॉल्ड बैड बैंक हैज बीन रजिस्टर्ड इन मुंबई विदेडअप कैपिटल ऑफ सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्स करोड़ फाइनली बैड बैंक स्टार्ट हो गई है

ना पेडअप कैपिटल होता क्या है? देखिए जब भी कोई कंपनी बनती है जब भी कोई इंस्टीट्यूट बनती है तो उसको क्रिएट करने के लिए जो बेसिक पैसा लगता है जो बेसिक फंड लगता है उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं उसके बाद आप पैसे इंक्रीज कर सकते हो उसके बाद और आप पैसे रेज कर सकते हो पर कोई भी इंस्टीट्यूट को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक अमाउंट लगता है उसको हम लोग कैपिटल कैपिटल कहते हैं और इनका है है करोड़ के ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या हाँ आता है इवन एस और रेलवे के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखे गए हैं तो ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट दूसरा अबे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है क्या के अभी एक्सैक्टली exactly क्या है ध्यान दीजिए

उन बैड लोन या एनपी को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में यह अथॉरिटी अनाउंस की थी जिसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यह अथॉरिटी क्या करेगी बैंकों को कहेगी भाई आपके पास जितना भी बैड लोन है आपके पास जितना भी एनपी है वो हमें दे दीजिए

सरफेसी इज द एक्ट रितु जी सरफेजी सरफेसी एक्ट एक्ट है और ये एक अथॉरिटी है सरफेसी एक्ट के अंदर हम एक्शंस लेते हैं वो लॉ है

इनके अलावा दो और नायर यहां पे सली सुकुमार नायर एंड अजित कृष्णन नायर के शायद नायरों ने बना के इसको बना दिया गे? तो तीन नायर यहां पे हो गए और एक सुनील मेहता है जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव है सो so, ये चार लोग ये चार लोग हैं जो इस अथॉरिटी के अंदर फिलहाल काम कर रहे हैं बाकी स्टाफ तो रहेगा नो डाउट अबाउट दैट पर ये चार डायरेक्टर्स हैं जो मेन पोजीशन पे इस इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं ध्यान रखिए ठीक है चलो ठी तो बैड बैंक विल प्रोवाइड मच निडेड रिलीफ टू द इंडियन डाउन दियर मैसिव बैड लोन मैंने पहले भी कहा था हमारी बैंक्स ना लोन रिकवर करने के लिए बड़ी परेशान हो रही है कि बड़ी थक जा रही है बड़े टायर्ड हो गई है तो ऐसे कंडीशन में वो लोन रिकवर करने की जिम्मेदारी अभी बैड बैंक की रहेगी ठीक है अब बैड बैंक को ओन कौन करेगा हुआ बैड बैंक बैड बैंक जो है जिसके हमने नाम लिया बैड बैंक विल बी ओन बाय गवर्नमेंट बैंक ओनरशिप जो रहेगी वो गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक के पास रहेगी uh, uh, तो यही बैंक है जो इसकी ओनर रहने वाली है बैड बैंक की ध्यान रखिएगा ठीक है सो द रियली वेरी इंपॉर्टेंट यस yes. अब देखिए अब यहाँ पे काम कैसे होगा के, आ, बैड बैंक का क्या फायदा ओके okay. भाई बैड बैंक देखिए मैं आपको एक्सप्लेन एक एक करता हूं सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने हजार करोड़ का लोन लिया किसी ने हजार करोड़ का लोन लिया के से वो वापस नहीं कर रहा है के, तो ऐसे कंडीशन में एस बी बैड बैंक के पास जाएगी <coughs> कि हमें लोन रिकवर करके चाहिए के सो अभी अभी के के क्या क्या कंडीशन में करेगा बैड बैंक बैड बैंक ठीक है आपको कितना पैसे चाहिए हजार करोड़ चाहिए के इंटरेस्ट लेना चाहोगे नहीं लेना चाहोगे जो भी है उन्होंने कहा कि हमें हजार करोड़ चाहिए ठीक है फाइन हजार करोड़ के शेयर्स हजार करोड़ के शेयर्स यहां पे बैड बैंक अपने खुद के, तो के पास अभी पैसा रिकवर बैड बैंक करेगी, जब बैड बैंक पैसा रिकवर करेगी तो उन्हें रिकवर किया, कम रिकवर किया सारा पैसा बैड बैंक का एसबीआई को एक भी पैसा नहीं मिलेगा एसबीआई को शेयर्स मिल गए पिक्चर से कहा अभी रिकवरी सारा बैड बैंक करेगा और पैसा उनके पास आएगा सपोज फॉर एग्जाम्पल हजार करोड़ का लोन किसी ने लिया एस बी ने कहा कि भाई हमें पैसे चाहिए उनको हजार करोड़ दे दिए रिकवरी करते वक्त सपोज बैड बैंक ने 1100 करोड़ की रिकवरी कर ली 1200 करोड़ की रिकवरी कर ली बिकॉज इंटरेस्ट भी तो रिकवर करना पड़ेगा तो फायदा किसका होगा बैड बैंक का होगा तो देखिए फायदा यही है कि दे आर गोइंग टू गेट द मनी ऑब्वियसली उनको पैसा मिलेगा और वो ढंग से काम करेंगे यहां पे फायदा ये सोचिए कि हमारे बैंकों का टेंशन खत्म हो जाएगा के? और हमारी बैंक सारा बैड लोन ये बैड बैंक के थ्रू रिकवर करेगी तो ऑब्वियसली कमीशन तो बनता है ऑब्वियसली पैसा तो बैड बैंक का बनता है यह उनका फायदा है फायदा यह मत सोचना कि इससे इनको क्या मिलेगा यह एटीट्यूड मत लाइए ये कमर्शियल तरीका है और पे कमीशन बनेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनेगा और उससे पैसे उनके पास आएंगे अभी तो ये केवल बैंकों को अपने स्टेक्स दे रहे अपने शेयर दे रहे पर बाद में यहां पे पैसा भी दिया जाएगा ये भी पॉइंट याद रखेगा ठीक है इन दैट वे आर गोइंग टू वर्क आगे बढ़ते हैं स्टेट रन हाइड्रोजन ऑन द कमर्शियल सेल एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी को 1975 में क्रिएट किया गया था के। और गुरदीप सिंह साहब है जो फिलहाल एनटीपीसी को आ, हैंडल कर रहे वो उसके सबको तारामदार हैंडल कर रहे हैं के अब देखिए न्यूज क्या है 4.75 गीगावाट का रन ऑफ कच्छ में सोलर पार्क उन्होंने बनाने की बात की है सोलर पार्क और वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी ये लोग क्रिएट करेंगे एनटीपीसी जो थर्मल पावर प्लांट ओन करती है अब धीरे धीरे रिन्यूएबल के अंदर काम कर रही है और उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने इसमें बिल्कुल गड़बड़ मत करना एन टीपीसी फाइव गुरदीप सिंह साहब हेड है दूसरा 4.75 गीगावाट का थर्मल सॉरी सोलर पावर प्लांट है रन ऑफ कच्छ में इसको क्रिएट करने की बात की गई है क्वेश्चन आएंगे बार बार ना जब भी सोलर की बात आती है अदानी साहब का नाम आता है के आता है ना हमारे दिमाग में मुंबई एयरपोर्ट अभी ऑफिशियली अदानी साहब के हाथ में चला गया तो आपको पता था मुंबई एयरपोर्ट अदानी साहब ने खरीद लिया था नो डाउट अबाउट दैट पर ऑफिशियली उसका मैनेजमेंट कल से अदानी इंडस्ट्रीज ने हैंडल करना शुरू कर दिया चलो अदानी साहब को भूल जाते आगे बढ़ते Renewable Renewable Energy Energy. Limited has received the the uh, go ahead from the Ministry of New and है? हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड एनर्जी कौन है? जल्दी मिनिस्टर साहब का नाम बता दीजिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी है तो उनको परमिशन तो गवर्नमेंट से लगने वाली है तो रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने यहाँ पे परमिशन दे दी ये गाइज कोई बताएगा एनी वन कैन कैन एनी वन टेल मी यस 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 राजकुमार सिंह यस राजकुमार सिंह आर के सिंह साहब है जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को हेड करते हैं बहुत बढ़िया देखिए कंपनी द द टारगेट ऑफ ऑफ रिडक्शन इन नेट एनर्जी एनर्जी इंटेंसिटी एज अ पार्ट कॉम्पैक्ट गोल्स सो ऑब्वियसली थर्मल पावर प्लांट का जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएशन है वो भी उन्हें कम करना है अब देखिए एनटीपीसी प्लान टू इन्वेस्ट वन ट्रिलियन बिटवीन नाइनटीन टू ट्वेंटी फोर टू बिकम वन थर्टी गीगा वेट पावर प्रोड्यूसर बाय ट्वेंटी थर्टी टू ये एन टीपीसी का टारगेट है 130 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी इनको प्रोड्यूस करनी है 2032 तक के एंड मोस्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर प्लांट 130

स गाइज नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा इंडियन नेवी हैज रिसीव द टेंथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट पी एट आई फ्रॉम द यूएस बेस्ट एरोस्पेस कंपनी बोइंग पसाइडन पी स्टैंड फॉर पसाइडन पसाइडन एट आई नाम के एरोप्लेन्स है नाम के प्लेन्स है जो नेवी को दिए जाते हैं

के एयरक्राफ्ट है यूएस से आते हैं और ये इंडियन नेवी यूज करती है एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट जिसको कहा जाएगा सबमरीन को यहां से अच्छे से ट्रैक डाउन कर सकते हैं एंड दैट इज द केस 2009 में सबसे पहले एग्रीमेंट साइन हुआ था बाद में 16 में और चार प्लेन्स हमने उनसे खरीदे हुए हमारे नेवी के लिए दैट इज अ केस ओके दैट्स ऑल ओके सो so, यस yes, हर हर आ, हर आ, एक एक प्लेन का नाम ऐड होते जाएगा पर ये न्यूज में हमेशा होता है तो बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते आई आई टी मंडी हैव डेवलप अ स्मार्टफोन ऐप ऑटोमोटेड डिजीज डिटेक्शन इन पोटैटो क्रॉप ओके पोटैटो का क्रॉप जो होता है उस क्रॉप में डिजीज लगते हैं कि उसमें कभी कभी इंसेक्ट्स का इश्यू हो जाता है तो कौन सा डिजीज लगा डिजीज हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करने के लिए ऐप बनाया हुआ है आई आई टी मंडी है ऐप पता कैसे ऐप में कैमरा रहेगा कैमरा से आप उसके लीफ का फोटो ले लीजिए पोटैटो के प्लांट का ओके? उसका फोटो ले लीजिए फोटो लेते ही आपको ऐप बता देगा कि भाई इसको डिजीज हुआ है कि नहीं हुआ है okay. गजब है यार के बस यही चीजें इंडिया में चाहिए बस ऐसी रिसर्च इंडिया में चलते रहे के तो लोग काफी डेवलप हो जाएंगे अच्छे से तो केवल लीव्स का फोटोग्राफ लेके समझ में आ जाएगा कि इसको डिजीज हुआ है कि नहीं हुआ है फिलहाल फोटोटो के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ धीरे धीरे बाकी भी वेजिटेबल्स एड किए जाएंगे ये भी पॉइंट आई मंडी के श्रीकांत श्रीनिवास सॉरी श्रीनिवासन इन्होंने मैंशन किया हुआ सो ही इज द पर्सन वर्क विद द आई मंडी श्रीकांत श्रीनिवासन और उनके टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे ये ऐप क्रिएट किया हुआ है जो फिलहाल ये रिसर्च कर रहा है अच्छी बात है और इंडिया में पहली बार अगर कुछ कहीं होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बस आई मंडी याद रखना नहीं तो आई आई टी और बॉम्बे दिल्ली इन तीनों आई से हमारे हमें बहुत लगाव होता है पर यहाँ पर आई मंडी है जिसने ये डेवलप किया हुआ है ठीक है चलो uh, <coughs> आगे बढ़ते हैं दोस्तों द इंडियन नेवी हैज डिसाइडेड टू कम अप विद कम ऑन बोर्ड ऑफ इंडिया मोस्ट एम्बिशियस इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्लान नाउ एयरफोर्स और आर्मी ऑलरेडी इस प्लान के ऊपर काम कर रही थी प्लान ये था कि हेलीकॉप्टर होने चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत कि या in के या मेड इन इंडिया ये कंसेप्ट के ऊपर आर्मी और एयरफोर्स ऑलरेडी काम कर रही थी अभी उसी प्रोजेक्ट में नेवी जुड़ चुका है जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे तीनों के हेड्स के नाम बताइए आर्मी के हेड कौन है नेवी के हेड कौन है और एयरफोर्स के हेड कौन है तीनों के नाम कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए ठीक है अब देखिए द प्रोजेक्ट इंटेंट टू सेव टू लाख करोड़ इंपोर्ट ऑफ द मिलिट्री प्लेटफॉर्म फॉर द कमिंग जो हेलीकॉप्टर हम लोग बाहर कंट्री से मंगाते हैं तीनों के लिए दो लाख ,00 करोड़ का खर्चा होता है हमारा इंपोर्ट का अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो हमें दो लाख ,00 करोड़ हमारे बच सकते हैं

नरावने yes, साहब की बात करेंगे करमवीर सिंह है नेवी में और एयरफोर्स आर के बधूरिया साहब है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साहब आर्मी के हेड है आगे बढ़ते सिंपल न्यूज था डिफिकल्ट नहीं है बस याद रखना नेवी अभी इन्वॉल्व हो गया है आगे बढ़ते वेबिनार अंदर डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड वॉज ऑर्गेनाइज बाई दी आईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो महाराष्ट्र एंड गोवा रीजन के अगेन सिंपल न्यूज

अंग्रेजों की तरफ से और अभी इंडियन गवर्नमेंट हैंडल करती है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इनके पीआईबी काम करेगा और गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है गोवा रीजन के लिए सिंपल क्वेश्चन so, आएगा कि डिजिटल मीडिया की बात करेंगे फिलहाल जयदीप भटनागर ये पीआईबी के इंफॉर्मेशन ब्रॉड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है मुझे बताइए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का नाम बता दीजिए कौन है यस गाइज कैन टेल मी यस अनुराग ठाकुर एब्सुलटली अनुराग ठाकुर साहब है जो हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है उनके मिनिस्ट्री के अंदर पीआईबी काम करेगा और यस किसी ने कहा पीआईबी इज द मोस्ट ट्रस्टेड यस गाइस पीआईबी इज द मोस्ट ट्रस्टेड अगर आपको किसी की भी न्यूज फॉलो करनी होगी और पीआईबी से अगर आपने कुछ पढ़ा तो सबसे ट्रस्टेड है बिकॉज ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है और सबसे ट्रस्टेड सोर्स है हमेशा याद रखेगा ठीक है चलो सो दैट इज अ केस ओवर इयर अनुराग ठाकुर साहब मिनिस्टर है ओके एंड जैतिक भटनागर ये पी के हेड है याद रखिये दैट विल बी इनफ चलो स्टेट न्यूज तरफ जाते हैं नाउ असम की बात करेंगे भाई असम ने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करने की बात की है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट देखिए आसाम कैबिनेट अनाउंस द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट टू प्रोटेक्ट दिजर फेथ कल्चर ट्रेडिशन ऑफ ट्राइब्स एंड द स्टेट अब आसाम में ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा है इंडिजीनियस वहां की लोकल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा है उनके कल्चर को बचाने के लिए उनके भाषा को या उनके लैंग्वेज को या कल्चर को बचाने के लिए यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा ऐसा सरमा साहब का कहना है काफी अच्छा अनाउंसमेंट है तारीफ भी हो रही है और ये करना जरूरी है ट्राइबल पॉपुलेशन उनका कल्चर उनकी लैंग्वेज उनका रहन सहन इसको प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है और यहां पे आसाम गवर्नमेंट ने सेम पॉइंट मेंशन किया है सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करने की बात की है और जो काबिल तारीफ है द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर देखिए डिपार्टमेंट का नाम क्या रहेगा इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर वुड एंश्योर द स्टेट इंडिजीनियस पॉपुलेशन गेट्स टू प्रिजर्व देर फेथ एंड ट्रेडिशन तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनको अपना फेथ अपना ट्रेडिशन अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने को यहाँ पे चांस मिलेगा और यही पॉइंट यहाँ पे मैंशन किया गया है आसाम के आ, गवर्नर साहब का नाम जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए शर्मा साहब तो हमें पता है हेमंत बिस्वा शर्मा के बट गवर्नर साहब कौन है आसाम के उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ठीक है चलो देखते हैं इंडिजिनियस ट्राइब सजेस द बोडोज रबाज विद द अदर हैव देअर ओन रिलीजियस बिलीफ ओके तो ये जो यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज uh, है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है कम से कम दो करोड़ एंड अबाउ ये प्रोजेक्ट के लिए खर्च किए जाएंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज सबके लिए नहीं अलग अलग कम्युनिटी के लिए दो दो करोड़ के हिसाब से फंड अलग से निकालेंगे और डिपार्टमेंट ये पैसा यहाँ पे स्पेंड करेगी यस yes, नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर यस आपने सही पॉइंट मैंशन किया uh, <coughs> आंसर इज अजंता नियोग अजंता नियोग की पे बात करेंगे देखिए किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट उनको यहां पे डालने की जरूरत नहीं कंफ्यूजन बढ़ जाएगा बिकॉज ये अनाउंसमेंट कंप्लीट आसाम का है कंप्लीट आसाम का अनाउंसमेंट है तो फिलहाल किशन रेड्डी साहब को यहां पे बीच में ना ला तो ही बेटर रहेगा तो थोड़ा थो वो भी पॉइंट याद रखेगा ठीक है यस गाइज जगदीश मुखी साहब यहाँ पे गवर्नर है एबसुलूटली राइट ठीक है आगे बढ़ते हैं नाउ यूपी भाई यूपी की तो बात करनी पड़ेगी यूपी ने पॉपुलेशन पॉलिसी दे दी उसके बाद तो योगी साहब बड़े चर्चा में आ रहे एक और अनाउंसमेंट कर दी यूपी 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 ने कि UP में में के जो भी प्लेयर्स ओलंपिक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कुछ फंड दिया जाएगा कि अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हो सिल्वर या ब्रॉन्ज जीतते हो तो आपको फंड तो मिलेगा मगर आप केवल पार्टिसिपेट भी करते हो तो भी यूपी गवर्नमेंट आपको मदद करने वाली है यह अनाउंसमेंट योगी साहब ने की हुई है ऐसी अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले हरियाणा ने की थी आधा आधा आपको हरियाणा ने कहा था कि जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट रहेंगे उनको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज मनी दिया जाएगा अब यूपी का क्या कहना है कि जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उस हर प्लेयर को 10 लाख रुपए यहां पे यूपी गवर्नमेंट देगी 10 प्लेयर है यूपी के यूपी के अंदर के 10 प्लेयर हैं जो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर प्लेयर को 10-10 लाख दिए जाएंगे अगर गोल्ड मेडल जीत के आते हो तो 6 करोड़ मिलेंगे अगर ब्रॉन्ज सॉरी सिल्वर जीतते हो तो चार करोड़ मिलेंगे अगर ब्रॉन्ज जीतते हो तो दो करोड़ दिए जाएंगे दस लाख तो सबको मिलेंगे नो डाउट अबाउट दैट पता है प्रॉब्लम क्या होती है मैं यूपी को ब्लेम नहीं करूंगा मैं सारे स्टेट्स को कहूंगा कि अरे सारे स्टेट्स वाले ना अनाउंसमेंट तो कर देते कि हम इतना देंगे हम उतना देंगे के? पर इन प्लेयर को मिलता कुछ नहीं है कुछ नहीं मिलता बेचारों की हालत बड़ी खराब होती है यहां पे भी अपने हक के पैसे मांगने के लिए बार बार ठोकरें खानी पड़ती है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंडिया में अनाउंसमेंट कर दिया अच्छी बात है एग्जाम में तो हमें अनाउंसमेंट के बारे में ही लिखना है पर आपने बहुत बार न्यूज देखी होगी कि यह पैसा इतने जल्दी हाथ में नहीं आता है एंड दैट इज अनदर पॉइंट देखिए खूब खेलो एंड खूब बढ़ो

स्कीम स्कीम अब चेयुथा स्कीम क्या है महिलाओं महिलाओं के 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 लिए डेवलपमेंट के लिए कि जो कोई भी महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है या अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है उसको मदद करने के लिए ये चेयुथा स्कीम है जो आंध्र प्रदेश के अंदर काम करती है दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आएगा चेयुथा स्कीम कहां से किस चीज के लिए उसका एक्जैक्टली exactly क्या पर्पस है थोड़ा ध्यान रखेगा स्कीम अब 14 है जिनके साथ गवर्नमेंट का टाइप हुआ लाइवलीहुड ,00 प्रोवाइड करने के लिए जॉब्स प्रोवाइड करना है या उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है छ लाख महिलाएं मेंशन की गई है इस स्कीम के अंदर के, अब देखिए क्या एक्जैक्टली exactly है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी एज ग्रुप एज ग्रुप यहां पे फोर्टी फाइव टू सिक्सटी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे ये पैसा आप लीजिए एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए या आपको और कोई हेल्प चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए वो भी हेल्प आपको मिल जाएगी इसी पर्पज के लिए चेयता स्कीम लॉन्च किए एज ग्रुप देखिएगा 45 फाइव टू सिक्सटी दिस इज द एज ग्रुप दे आर टॉकिंग अबाउट और ये प्रॉब्लम है पता है इस एज ग्रुप में बहुत बार बड़ी दिक्कत जाती है बिकॉज ये एज ग्रुप ऐसा है जहां पे बच्चे बड़े हो जाते हैं महिलाओं के ना उनको काम करने की इच्छा होती है ना दे कैन अगेन स्टार्ट देअर वर्क तो उसी को सपोर्ट करने के लिए जगनमोहन रेड्डी साहब ने ये चेहूता स्कीम लॉन्च की है जहां पे चौदह कंपनियां मदद करेगी स्कीम को सक्सेसफुल करने के लिए याद रखेगा इन in महिलाओं को चार के अंदर सो यूज दैट मनी टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस छोटा बड़ा जो भी रहेगा आपको मदद मिलने वाली है इस स्कीम के अंदर और बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए, ठीक है सो चे अगेन फॉर दुम एम्पावरमेंट आगे बढ़ते केरला गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ कैंपेन कॉलेज ऑफ मथ्रू कवचम के, या माथुरु कवचम हम कह सकते हैं माथुरु कवचम टू प्रोवाइड कोविड नाइनटीन वैक्सीन टू ऑल प्रेग्नेंट वुमन इन द स्टेट भाई ये जरूरत है इसकी सही में जरूरत है ये होता है डेवलप स्टेट का एग्जाम्पल यस yes, आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा कर रही है वो भी डेवलप स्टेट का बड़ा अच्छा एग्जाम्प है ये भी केरला का भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जितनी भी प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए सबसे सब पहले वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर दिया कि उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए बहुत सारी गंदी गंदी अफवाहें लोगों ने फैला के रखी है कि तो जितनी भी लड़कियां है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही नहीं चल रही कोई मैटर नहीं करता वैक्सीन ले लेना बहुत अच्छे से इंपैक्ट करता है ठीक है जो नॉनसेंस लोग है ना जिनके पास डिग्री नहीं होती है वही फालतू की बातें करते हैं एंड दैट्स व्हाई केरला गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रोग्राम कॉल्ड एज मातृ कवचम याद रखिएगा ठीक है एज एज पार्ट ऑफ कैंपेन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन विल बी रजिस्टर्ड फॉर वैक्सीनेशन एट द वार्ड लेवल बाय आशा वर्कर आशा वर्कर सबको पता होगा जिसको हम कहते आशा वर्कर, 2005 में आशा वर्कर वाला हमने पूरे देश में इंप्लीमेंट किया था स्टेट वाइज इसको इंप्लीमेंट किया गया है, सो आशा वर्कर्स के थ्रू इन प्रेग्नेंट महिलाओं को यह वैक्सीन तक पहुंचाया जाएगा या वैक्सीन उन तक पहुंचाई जाएगी ध्यान रखिएगा ठीक है चलो

यस शैलजा मैडम के यस शैलजा मैडम के के शैलजा या शैलजा टीचर शैलजा टीचर नाम से बड़ी फेमस थी लोग लिटरली शैलजा टीचर कहते थे उनको तो शैलजा टीचर के के शैलजा के एंड शी वाज द हेल्थ मिनिस्टर अर्लियर बट अमेजिंग उन्होंने काफी अच्छा काम किया और वीना जॉर्ज जी भी यहां पे काफी अच्छा काम कर रही है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो गाइस आगे बढ़ते <clears throat> हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन फेब 2022 के खेलो इंडिया अभी थोड़ा सा बाद में होगा नवम्बर डिसम्बर में खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा के अंदर होने वाले थे पर थर्ड वेव का डर है थर्ड का अगर प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए सेफ साइड खेलो इंडिया गेम अभी फेब में होंगे चंडीगढ़ तो दिल्ली ये, ये सारे एरियाज इंक्लूड कर लिए थे जहाँ पे गेम्स हरियाणा गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इस गेम को ऑर्गेनाइज करने की बट ड्यू टू कोविड नाइनटीन का थर्ड वेव का डर है कल ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ डॉक्टर्स का एक रिपोर्ट हिमाचल में, में चले गए घूमने जा रहे जैसे कोरोना तो है ही नहीं कुछ के? अभी भी कुछ लोग ऐसे ऐसे जी रहे जैसे कोविडीन इज के आ, न्यू, किसी सारा, स्टोरी में पढ़ लिया होगा भाई लोग मर रहे यही समझदारी अगर नहीं दिखाएंगे तो ये प्रॉब्लम तो जरूर होने वाली है नो डाउट अबाउट दैट ठीक है है नाउ एक और है, ब्रिक्स गेम्स हम लोग ब्रिक्स गेम्स भी ऑर्गेनाइज करने वाले थे और ये भी हरियाणा के अंदर ही होने वाले थे अभी ब्रिक्स गेम्स को हम लोग 2022 में ही ऑर्गेनाइज करेंगे खेलो खेलो इंडिया इंडिया के साथ सो so, गेम्स और ब्रिक्स गेम्स ये साथ में होने वाले हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ये कंट्रीज के प्लेयर्स ब्रिक्स गेम में पार्टिसिपेट करेंगे और पहली बार हम लोग ये गेम्स ऑर्गेनाइज करने वाले ये भी फेब में हरियाणा के अंदर खेल इंडिया के साथ ही ऑर्गेनाइज किए जाएंगे यह भी हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया हुआ है ध्यान रखेगा ठीक है चलो आ, <coughs> यस अभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आते Uh, या पर्सनालिटीज के ऊपर आएंगे जर्नलिस्ट प्ले राइटर ओमचेरी एन एन बीन सिलेक्टेड फॉर बहरीन करा सॉरी केरलिया समाजन लिटरेसी अवार्ड ओके बहरीन बहरीन कंट्री आपको गल्फ कंट्री है बहरीन मनामा इज द कैपिटल ऑफ द बहरीन एंड वहां वहां का करेंसी है अब वहाँ पे केरला का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है के गल्फ कंट्रीज में आपको साउथ इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगा स्पेशली केरलाइट लोग आपको ज्यादा मिलेंगे तो वहां के सोसाइटी ने बहरीन केरलिया समाजन सोसाइटी ने है, एक लिटरेसी अवार्ड है जो हमारे पिल्लई साहब को दिया हुआ है ओमचेरी एन एन पिल्लई इनको अवार्ड दिया गया सिंपल सा न्यूज है डिफिकल्ट तो तो न्यूज़ नहीं है बस थोड़ा ध्यान रखेगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मलयालम लैंग्वेज में काफी अच्छा काम करने के लिए ही गॉट दिस अवार्ड ठीक है चलो आगे बढ़ते दीपक काबरा है फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंगस्टिक कॉम्पिटिशन इन ओलंपिक गेम्स हम प्लेयर्स की बात करते कौन से प्लेयर को क्या मिला यहाँ पे इंडिया के जजेस भी जा रहे हैं इंडिया के कोचेस भी दीपक काबरा तो के बड़ा फेमस नाम है जिमनेस्टिक फील्ड में और बड़े फेमस एक्चुअली uh, ये जज है जो uh, गेम्स को अच्छे तरीके से रेफर करते रेफरी है काफी फेमस रेफरी है इनको इस बार के ओलंपिक गेम में सिलेक्ट किया गया तो इंडिया के पहले ऐसे पर्सन uh, है जो रेफरी करके जाएंगे जिम्नास्टिक गेम्स के लिए ओलंपिक्स के अंदर ध्यान रखेगा इसके पहले 2014 में एशियन गेम्स में भी इन्होंने ये uh, काम किया था तब से वो फेमस बन गए थे 2010 में कॉमनवेल्थ <coughs> गेम्स के अंदर भी ही पार्टिसिपेटेड और पहली बार ओलंपिक्स में उनको जाने का मौका मिल रहा है एज अ रेफरी एज अ जज दीपक काबरा नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं uh, <coughs> यशपाल शर्मा साहब का कल देहांत हो गया वन ऑफ द वर्स्ट न्यूज ऑफ इंडियन क्रिकेट 1983 का जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें जीत हासिल करने के लिए बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था और कल उनका देहांत हो गया 1954 में उनका बर्थ हुआ था इलेवंथ <coughs> अगस्त 1954 इनका बर्थ हुआ था यशपाल शर्मा साहब का 37 टेस्ट मैचेस 42 मैचेस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और 160 फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था और कल ड्यू टू हार्ट अटैक सबके लिए शॉकिंग था नो डाउट अबाउट दैट ओके सो पर uh, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिकॉज यशपाल शर्मा साहब ही प्लेड वेरी ह्यूज रोल फॉर द 1983 <coughs>

प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड होता है के, लास्ट टाइम आर अश्विन इनकी बात की थी भुवनेश्वर कुमार का भी हमने डिस्कशन किया था अब यहां पे इंग्लैंड की प्लेयर है सोफी इकलस्टन इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जून मंथ का अवार्ड मिला है अब मेल कैटेगरी में कौन है मेल कैटेगरी में डिवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के ओपनर है के अमेजिंग प्लेयर है नो डाउट अबाउट दैट इन्होंने जिस तरीके से इंग्लैंड की सीरीज खेली है या इवन इंडिया के साथ बैटिंग की थी काफी अच्छे प्लेयर है देवॉन कॉनवे, सो ही गॉट दम इन मेन्स कैटेगरी और महिलाओं की कैटेगरी में सोफिया एक्लस्टन दोनों के नाम याद रखेगा ये सेकंड इंग्लिश प्लेयर है जिनको ये अवार्ड मिला हुआ एंड न्यूजीलैंड के पहले प्लेयर है देवान कॉनवे सो ही गॉट दिस अवार्ड कॉल एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत से स्टार्ट शुरुआत हुई थी आपको अच्छे से बताओगा जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी ठीक है सो गाइज लास्ट न्यूज के ऊपर आते लास्ट न्यूज ऑफ द डे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पुर के अंदर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है 1934 में इसको क्रिएट किया बी डब्ल्यू एफ की मैचेस होती है और दो हजार छब्बीस में बी डब्लू एफ का वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया के अंदर होगा ऐसा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का कहना है दो हजार छब्बीस का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है अभी इंडिया ऑर्गेनाइज करेगी ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कौलमपुर के अंदर हेडक्वार्टर है और नाइनटीन थर्टी फोर में इसको क्रिएट किया गया था एक और कप होता है सुधीरमान कप फाइनल्स ओके okay. <coughs> ये कप होता है जो चाइना के अंदर होने वाला था इसको चाइना से हमने अभी फिलहाल शिफ्ट कर दिया फिनलैंड शिफ्ट करवा दिया चाइना के अंदर फिलहाल नहीं हो रहा है पर शायद 2023 में ये सुधीरमान कप इनका चाइना के अंदर होगा देखिए ये जो है ना बी वर्ल्ड चैंपियनशिप इसमें सारे टाइप के बैडमिंटन प्लेयर्स आएंगे के जब हम सुधीरमान कप की बात करते हैं यहाँ पे टीम आती है यहाँ पे टीम वाइज खेला जाएगा यहाँ पे आप इंडिविजुअल बेसिस पे खेल सकते हो ये 2026 वाला जो है जो चाइना में होगा सुधीरमान कप इसमें टीम बेसिस पे खेलना पड़ता है ये पॉइंट थोड़ा यहां पे याद रखिएगा ठीक है नाउ बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप इज द मोस्ट प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट इन द बैडमिंटन नो वन एवरीवन नोज़ अबाउट दैट 1977 से इसको हमने शुरुआत की थी और uh, तब से हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बीच में ड्यू टू ओलंपिक्स 2003 में इसको कैंसिल किया था पर हर साल हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं

इंटरनेशनल नेशनल सेक्शन प्लस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड द स्पोर्ट्स न्यूज एज वेल एज स्टेट न्यूज को हमने कवर करने की कोशिश की हुई है गाइज कल सुबह सात बजे मिलेंगे एमसीक्यूज के साथ और प्लस ठीक है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा बाय